नमस्कार, न्यूज टाइम्स टुडे में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को जान से मारने की धमकी मिली है। जी हां, शनिवार देर रात 2 बजे जयपुर कंट्रोल रूम को फोन करके धमकी दी गई है और ये धमकी कहीं और से नहीं बल्कि जेल से दी गई है। तो चलिए आपको पूरी घटना बताते हैं। जयपुर कंट्रोल रूम को फोन करके राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा को जान से मारने की धमकी दी गई है और ये धमकी कहीं और से नहीं बल्कि दौसा के शालावास में स्थित विशिष्ट जेल से दी गई है। मुख्यमंत्री को धमकी मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। जेल में सर्च अभियान चलाकर 10 मोबाइल को भी बरामद किया गया है और धमकी देने वाला आरोपी भी पकड़ा जा चुका है। इस मामले को लेकर SP रंजीता शर्मा का कहना है कि आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है और जिस फोन से धमकी दी थी उस फोन को भी बरामद कर लिया गया है। धमकी देने वाले का नाम नीमो है और वो दार्जिलिंग का रहने वाला है। रेप के आरोप में जेल में बंद है। पुलिस फिलहाल आरोपी नीमो से पूछताछ कर रही है। जेल में काफी आपत्तिजनक सामग्री मिलने की भी सूचना है। इस मामले में पुलिस की जांच के बाद ही पूरी जानकारी सामने आएगी, लेकिन फिलहाल राजस्थान के मुख्यमंत्री को धमकी देने का ये मामला काफी चिंताजनक है। आपको बता दें कि इससे पहले शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी और बायतू विधायक हरीश चौधरी को भी जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। फिलहाल के लिए इतना ही। इस प्रकार की तमाम खबरें हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज टाइम्स टुडे। धन्यवाद। ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज टाइम्स टुडे को और जुड़े रहिए हमारे साथ।